हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूँ प्रीति। आज हम जा रहे हैं आज हम बनाने जा रहे हैं चने की भाजी, जिसको चने का साग भी कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाएंगे और बहुत ही अच्छी लगती है, आप लोग भी ट्राई करना। तो ये भाजी बना रहे हैं चने की, जिसको चने का साग भी कहते हैं। ये हमारे मम्मी के यहाँ से कटा हुआ आ गया, नहीं तो हम आपको वैसा भी दिखाते। सीजन की चीज है, ये बना रहे हैं। तो ये भाजी हमने ले ली है जो इतनी है, और ये हमने ले लिए है यहाँ मूंग की दाल आधा कप। ये थोड़ा सा अदरक हमने जिसको लंबा लंबा इस तरह से काट लिया है, और लंबी ही हमने दो टुकड़ों में मिर्ची काट ली है, चार मिर्ची काट ली है। ये 10 से 10-12 कलियां लहसुन की होंगी, जिनको हमने फान चौक कर लिया है। और चलिए बनाते हैं भाजी। तो यहाँ एक कढ़ाई में हम डाल लेते हैं 4 से 5 गिलास पानी इसमें। तो इसमें बेसन लगता है भाजी में, तो यहाँ हम थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच हमने बेसन ले लिया है। इसको हम घोल के लगाएंगे भाजी में, उसको भी बताएंगे अभी। तो दाल को भी हम इधर धुले ले रहे हैं, और पानी भी इधर गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डालते हैं दाल को धुल कर। बहुत ही टेस्टी चीज बनती है सीजन वाली। इसको डाल देते हैं, मूंग की दाल हम डाल लेते हैं। इसको पकाएंगे 5 से 6 मिनट। तो यहीं पे हम आधा चम्मच नमक डाल लेते हैं। तो ये मूंग की दाल में ये जो गंदा ये फसूकर टाइप निकलता है, इसको एक चम्मच की सहायता से, बड़ी वाली चम्मच की सहायता से इस तरह इसको निकाल लेंगे। ये गंदा लगता है, ये स्वाद खराब कर देता है। बस 2 मिनट और। तो ये थोड़ी सी मूंग की दाल हमने इसमें से निकाल ली है, वो ये देखो दब रहा है थोड़ा सा। तो अब हम डाल देते हैं इसी टाइम पर भाजी, जो कि बेसन मिला के डालेंगे। तो ये हमने बेसन लिया है, तो यहाँ से 2 से 3 चम्मच हम इसमें इस तरह से, बेसन पूरा ही पड़ जाएगा, इस तरह से मिलाएंगे। हमने अच्छे से बेसन को मिक्स कर लिया है दोनों हाथों से। अब इसमें डालते हैं ये भाजी चने की इस तरह से, और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। तो भाजी डालने के बाद इस तरह से है। तो अभी इसमें बेसन लगाया जाता है, तो 2 चम्मच हमने बेसन ले लिया है, जिसको हम पानी में घोल रहे हैं। इधर देखो, जिसको हम पानी में घोलेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। तो इसमें थोड़ा थोड़ा हमने पानी डाल लिया है और इसको घोले ले रहे हैं। तो थोड़ा अभी थिक है ये, इस तरह से इसको कर लेंगे बेसन को। ये देखो जैसे चीला का रहता है, उस तरह से हमने घोल लिया है इसको, और इसी में हम भाजी में इसको मिलाएंगे चने की, जिसको चने का साग भी कहते हैं। अब ये पानी और भाजी अलग जैसा नहीं रहेगा, इसे सही हो जाएगा। अभी ये पकेगा, ये देखो अभी थोड़ा पतला है, अभी ये पकेगा 2 से 3 मिनट। ये हमारी पक चुकी है, इस तरह से हो गई है, ये देखिए इस तरह से हो गई है। इसको हमने 4 से 5 मिनट पका लिया है। अब इसका थोड़ा सा ये लेंगे भाजी, और इसमें 2-3 चुटकी थोड़ी ज़्यादा हींगी डालेंगे, 3 चुटकी, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका हींग का फ्लेवर भाजी में आना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें इस तरह से डाल के और इसको मिक्स कर देंगे इस तरह से। सीजन की चीज भाजी बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी, आप भी बनाना घर पर। तो यहाँ हमने सरसों का तेल डाल लिया है 1/2 चम्मच बड़ा वाला, ये ले लिया 1 चम्मच जीरा और 2 चुटकी हींग। इसको डालेंगे, बस जीरा चटक जाए तुरंत ही लहसुन डाल देंगे फाइन चॉप, 10 से 12 हमारा लहसुन ही, ज़्यादा ही लहसुन अच्छा लगता है। और ये लंबा लंबा जो अदरक काटा था उसको भी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा ये पक जाएगा इस तरह से, थोड़ा सा पक जाएगा। तो इसमें हरी मिर्चा, जो कि हमने लंबी लंबी काटी थी हरी मिर्चा, इस तरह से पहले ही बता चुके हैं, और इसको
हल्का सा भून लेंगे और फिर लगाते हैं भाजी में तड़का। तो ये तड़का हमारा बन चुका है, लहसुन मिर्ची और ये हरी मिर्ची और लहसुन अदरक का। अब इसको हमने ऊपर इस तरह डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें भी डालेंगे रह गया था। इस तरह से करके ये भाजी हो चुकी है रेडी। अब करते हैं हरे धनिए से गार्निश। हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, इस तरह से हरा धनिया डल गया और इसको मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब इसकी करेंगे प्लेटिंग। तो भाजी की करते हैं प्लेटिंग इस तरह से। ये देखो फ्रेंड्स, ये तो ये बन गई है भाजी, बन के रेडी हो चुकी है। तो हरे धनिए से गार्निश कर देंगे इस तरह से। ये देखो, तो इसके साथ हमने हरे धनिए की ये चटनी बना ली है। ये जरूर बनाओ हरे धनिए टमाटर की भाजी के साथ, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन होता है बढ़िया। गरम गरम रोटियां ले लो, बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम टेस्टी बनती है। सीजन की सब्जी है भाजी चने की, बहुत।